नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2020 के बारे में। तो जो स्टूडेंट यूपी पॉलिटेक्निक 2020 का एग्जाम देना चाहते हैं, उसका तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम लोग आज बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक का पूरा सिलेबस के बारे में, कितना क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है, एग्जाम कब होगा, कितना नंबर लाने में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और रिजल्ट कब आएगा, तो पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, फॉर्म कब आता है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब आता है। तो फॉर्म जो है दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है, दिसंबर में फॉर्म आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2020 का फॉर्म दिसंबर 2019 में आ जाएगी। तो फॉर्म जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो। तो दिसंबर में जैसे ही फॉर्म आएगा मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा, मेरे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा, फॉर्म आपका छूटेगा नहीं, दिसंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा। और एग्जाम जो है ऑफलाइन ही होता है, एग्जाम जो है ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। ऑब्जेक्टिव एबीसीडी आपको ओएमआर सीट में एबीसीडी इस तरह से क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है, क्लियर। तो सेंटर पे ही होगा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होगा। और एग्जाम जो है इसका अप्रैल का लास्ट वीक में होता है, अप्रैल का लास्ट वीक में होता है। दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा, अप्रैल का लास्ट वीक, अंतिम सप्ताह अप्रैल का, उसमें परीक्षा हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भी ज्यादा समय नहीं लगता है, 15 दिन के अंदर में रिजल्ट आपका आ जाता है। उसके बाद काउंसलिंग का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होती है। तो चलिए फिलहाल आपको टारगेट करना है अप्रैल, अप्रैल में आपको एग्जाम देने का। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो आप सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और 3 साल में आप इंजीनियर बन जाते हो। तो चलिए हम लोग उसी का बारे में बात करते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है, कितना क्वेश्चन आएंगे, कितना मार्क्स आएगा। तो देखो सिलेबस आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। और मैथ का वैल्यू ज्यादा है, मैथ का क्वेश्चन 50 आता है, फिजिक्स का क्वेश्चन 25 और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन 25, और हर एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का होता है, 4-4 मार्क्स। तो 200 नंबर का हो गया आपका मैथ, 100 नंबर का हो गया फिजिक्स और 100 नंबर का हो गया केमिस्ट्री, टोटल 400 मार्क्स। और क्वेश्चन कितना, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, क्लियर है। और ध्यान देना है यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव जो है आप एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 मार्क्स नेगेटिव होते हैं। अगर एक गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा, 2 गलत करोगे 2 नंबर आपका कट जाएगा, कट जाएगा मतलब आप जो नंबर लाए हो उससे भी माइनस कर दिया जाएगा, क्लियर है। तो नेगेटिव हम लोग को नहीं करना है, आपको कोशिश करना है जितना आता है उतना ही आपको बनाना है, एक्स्ट्रा बनाओगे आपका मार्क्स और कम हो जाएगा। अब मार्क्स जैसी कम हुआ रैंक आपका खराब हो जाएगा, तो इसीलिए नेगेटिव आपको नहीं करना है। अब बात करेंगे सर कि मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन जो है, फिजिक्स 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, ये कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बात करते हैं। पूरा यूपी पॉलिटेक्निक का तैयारी हमारे चैनल पे आपको कराया जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। मैथमेटिक्स जो है देखो, जो 50 क्वेश्चन है पिछले साल का जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, 50 क्वेश्चन का एकदम सॉल्व करके। तो मेन आपको समझना यहाँ है कि टाइम आपको ज्यादा नहीं दिया जाता है, आपको टाइम जो होता है 3 घंटा दिया जाता है, 3 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैथ का सवाल काफी टाइम टेकिंग होता है, तो मैथ को हम लोग को ऐसे सीखना है
ताकि देखकर आप आंसर कर दो, एक लाइन में आंसर कर दो ट्रिकी वे में। लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो आप उतना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, उतना टाइम आपके पास नहीं है, तो कोशिश करना है फास्ट बनाने। तो हमारे चैनल पे पूरा उस तरह का वीडियो बना हुआ भी है, आप मेरे चैनल नैन क्लासेस का प्लेलिस्ट पे जाओ और उसमें लिखा हुआ होगा मैथमेटिक्स, उस पे देखो, मैथ का बहुत सारा चैप्टर वाइज वीडियो बना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग बना हुआ, आप उसको अलग अलग देख सकते हो प्लेलिस्ट में, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को इस तरह से पढ़ेंगे ट्रिकी वे में, ताकि देखें आंसर करें। तो मैथ जो है आपको करना क्या है, नाइन्थ और टेंथ मेनली एनसीईआरटी, आप जो मैट्रिक का स्टूडेंट हो या मैट्रिक पास हो तो जो टेंथ में आप पढ़े होंगे उसी को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन फास्ट करके, मेनली टेंथ का ही क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद फिजिक्स, इसमें भी नाइन्थ और टेंथ, केमिस्ट्री इसको भी नाइन्थ और टेंथ, लेकिन मेनली फॉलो करना है आपको टेंथ क्लास। टेंथ क्लास का जितना भी टॉपिक है, जितना भी चैप्टर, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आपको लाइट, आई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है। लाइट आई इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अगर बात करोगे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल कार्बन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब ऐसे चैप्टर वाइज मैं कितना लिखूं इतना जान जाओ। ऐसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं पूरा चैप्टर का, आपको देख लो आप अच्छे से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों अलग अलग दिखा दे रहा हूं मैं, देख लो। तो आपको मेल करना क्या है, टेंथ में जितना भी फिजिक्स है, जितना भी चैप्टर केमिस्ट्री है, जितना भी चैप्टर मैथ है, उस सब को अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है, आप आराम से अच्छा रिजल्ट करोगे। चलो अब बात करते हैं कितना क्वेश्चन में आपको रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको 100 क्वेश्चन है ना, तो इसमें कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर लाओगे उतना अच्छा रैंक होगा, और जितना अच्छा रैंक होगा उतना अच्छा सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन हो जाएगा, उतना अच्छा ब्रांच मिलेगा। तो इसीलिए इसमें कोई पास और फेल होते नहीं है। बच्चा लोग बहुत सारा पूछता है सर पास मार्क कितना है, तो पास और फेल नहीं होता है, 10 नंबर भी जो लाया वो भी पास हो सकता है, क्लियर। तो पास फेल नहीं है, मायने रखता है कि आपका रैंक कितना अच्छा है और कौन सा ब्रांच चाहिए आपको, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, तो ये सब के लिए आपको अच्छा ब्रांच लेने के लिए आपको अच्छा नंबर चाहिए, खराब नंबर में ये आपको नहीं मिल पाएगा। आपको चाहिए लखनऊ का कॉलेज, कानपुर का कॉलेज, मतलब जो टॉप कॉलेज है वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप जितना अच्छा मार्क्स लाओ। तो इसमें कम से कम आप कोशिश करो 70 क्वेश्चन सही करने का, 100 में कितना 70, अगर 70 क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो आप आराम से सरकारी कॉलेज में, बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे आप 50 प्लस भी रहते हो तो भी आप रेस में रहते हो, 50 प्लस में भी आप रेस में हो, लेकिन कोशिश करो कि 60 प्लस 70 प्लस जितना ज्यादा मार्क्स ला सको, इसमें फेल और पास कोई होता नहीं है, क्लियर है। तो पूरा यूपी पॉलिटेक्निक का तैयारी आपको कराया जाएगा हमारे चैनल पे। हमारा चैनल आप लोग का प्यार से झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, पूरे भारत का नंबर 1 पॉलिटेक्निक का तैयारी करने का चैनल बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।